जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विकास शुक्ला वेलकम करता हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे द एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने कक्षा 10 की समांतर श्रेणी पर डिस्कशन किया था, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज उसी का वीडियो नंबर 2 है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर फर्स्ट पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, उसमें बेसिक बातें होते हैं, तभी सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आप बताइए एपी के बाद में हम कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो एपी में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो एपी का जनरल फार्म होता है, यानी इनके जो पदों का जनरल फार्म होता है वो क्या होता है। पहला पद ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन। मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो कॉमन डिफरेंस है प्लस कॉमन डिफरेंस के होल नंबर यानी पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो एक आपको सीरीज मिलती चली जाएगी। वो सीरीज पहला टर्म ए वन ए हो गया, ए टू ए प्लस डी हो गया, ए थ्री ए प्लस टू डी, ए फोर ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। बेसिक बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, बेसिक नहीं जानते हैं और ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो टेंथ का बोर्ड है। ये मैं जो बुक से पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक है, इंग्लिश मीडियम भी चलता है इसी से और हिंदी मीडियम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैरेक्टर निम्न में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर वाई इनके प्रथम 3 पद ज्ञात करो। एपी मतलब कल हम बताए थे इनका एक सीरीज होता है, उन सीरीज के 2 पदों के बीच का जो अंतर हो कंटिन्यू सेम होता रहे, यानी पहले दूसरे पद का अंतर, तीसरे चौथे पद का अंतर, चौथे पांचवें पद का अंतर, पांचवें और छठवें पद का अंतर अगर सेम है तो वो क्या होता है, एक सीरीज होती है, श्रेणी होती है। और वो कैसी श्रेणी होती है, एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो आइए हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है या एपी है, 4 में 4 पार्ट हैं, एपी है या नहीं है। कल हमने आप लोग से क्वेश्चन में पूछा भी था कि कमेंट करके बताइए जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, कुछ लोगों ने आंसर दिया भी। तो इसका सर्वांतर व इनके प्रथम 3 पद ज्ञात करो। सर्वांतर मतलब क्या हो, 2 पदों के बीच का जो अंतर है उसी को सर्वांतर कहते हैं या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आइए देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं सीरीज ये बनी है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। इसका पहला पद देखें ए वन इक्वल क्या है 3, ए टू इक्वल क्या है 1, ए थ्री इक्वल क्या है -1, ए फोर -3 एंड सो ऑन। तो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, 2 पदों का अंतर डी वन अगर निकालें ए टू माइनस ए वन, ए टू का मान कितना है 1, ए वन का मान 3, 1 -3 क्या हो गया -2। दूसरा कॉमन डिफरेंस की बात करें ए थ्री माइनस ए टू, और ए थ्री में ए टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए थ्री की वैल्यू -1, ए टू की वैल्यू 1 तो -2। अगर यही कॉमन डिफरेंस डी थ्री की बात करें तो ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर क्या है -3, और ये माइनस करेंगे तो ये माइनस है ही ऑलरेडी तो ये प्लस हो जाएगा यानी -2।
इसी तरह हम देखते हैं कि जो डी वन है माइनस टू, डी टू माइनस टू, डी थ्री माइनस टू, यानी एक यह सीरीज बन गई है जो कि इनका कॉमन डिफरेंस माइनस टू माइनस टू माइनस टू। अतः क्या है, अतः दी गई सीरीज यानी अतः यह ए पी है क्योंकि जो सर्वांतर है समान है। अब इसके बाद में इसका निकालना है प्रथम तीन पद और सर्वांतर समझ में आया ही, उसका सर्वांतर क्या है माइनस दो। तो तीन पद इसके प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम तीन पद ए बराबर क्या दिया है तीन, डी बराबर माइनस दो। तो प्रथम पद जानते हैं ए वन बराबर ए बराबर तीन, ए टू बराबर ए प्लस डी मतलब तीन और प्लस डी मतलब दो माइनस एक, और ए थ्री बराबर ए प्लस टू डी मतलब थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई में माइनस टू यानी फोर यानी माइनस टू, टू जा फोर में थ्री जाएगा, डी इक्वल माइनस टू और ये टू टू जा फोर थ्री यानी माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस वन होगा और यहाँ माइनस, तो यानी प्रथम पद तीन एक माइनस एक। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ए इक्वल दिया है टू, सॉरी ए वन इक्वल टू, ए टू इक्वल फाइव अपान टू, ए थ्री इक्वल थ्री, ए फोर इक्वल क्या है सेवन अपान टू एंड सो ऑन। तो इनका सर्वांतर की बात करें तो जो डी वन हो जाएगा ए टू माइनस ए वन यानी फाइव अपान टू माइनस टू, यानी फाइव पॉइंट टू माइनस टू इसके नीचे वन कर दो, ये हो जाएगा टू टू जा फोर और फाइव जाएगा फाइव में फोर जाएगा यानी वन अपान टू। डी टू की अगर बात करें ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री क्या है सात बटा दो माइनस सॉरी ए थ्री का मान है बेटा तीन माइनस पाँच बटा दो, तो दो तेया छः में पाँच जाएगा एक बटा दो। अगर डी थ्री की बात करें सात बटा सॉरी डी ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल क्या हो जाएगा सात बटा दो माइनस तीन, और ये हो जाएगा एक बटे दो। यहाँ हम देखते हैं कि जो सर्वांतर है डी है एक बटे दो एक बटे दो एक बटे दो, यानी सभी जगह समान है। अगर सर्वांतर समान है तो ये हमारी एक श्रेणी है जो एक एपी है यानी समांतर श्रेणी, यानी ये क्या है अतः यह एपी है। अगर एपी है तो इसके प्रथम तीन पद और याद करना है आपको, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, हमें प्रथम तीन पद और याद करना है। एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूँ, इनके तीन पद लिखिए, इनके तीन पद, इनके तीन पद लिखिए यानी आगे का और तीन पद। तो यानी ये चार तक है, ए फाइव हमको ज्ञात करना है अगर, तो ए प्लस फोर डी, ए का मान दो चार और डी का मान एक बटा दो, तो दो दुन्ना चार और दो दो मिलके कितना हो जाएगा चार, यानी अगला पद इसका चार। ए सिक्स कितना हो जाएगा ए प्लस फाइव डी यानी दो प्लस पाँच गुणे एक बटा दो,
इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9/2, 9/2। इसी प्रकार A7 की बात करते हैं तो A+6D, A का मतलब 2+6×1/2, 2×3 6, तो 3×2 कितना हो जाएगा 5, यानी A7 5 हो जाएगा। यानी अगर इसके सीरीज आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 9/2 और 5, इस प्रकार से कंटिन्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 4 का थर्ड पार्ट है। इसमें श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी के प्रथम तीन, इस श्रेणी के तीन पद लिखना। तो ए बराबर आपको दिया है A1=-1/2, A2=-3.2 और A3=-5.2, A4=-7.2 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस की बात करें यानी D1 की, तो A2 - A1, A2 का मान -3.2 और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 1.2। तो 3.2 में 1.2 जाएगा 0 यानी 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस। ये D2 की बात करें, A3 - A2, A3 क्या है -5.2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, तो ये भी -2.0। इसी प्रकार D3 की बात करें, A4 - A3 यानी -7.2 + 5.2, ये हो जाएगा -2.0। यहाँ भी देखते हैं कि जो सर्वांतर है D है, तीनों जगह समान है D1, D2, D3, तो अगर समान है तो ये क्या है, एक AP है यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, यह AP है। अगर AP है, क्यों AP है, क्योंकि इसके सर्वांतर क्या हैं समान, क्योंकि पदों के बीच अंतर समान। फिर नेक्स्ट है कि हमें इसके श्रेणी के तीन पद और ज्ञात करना, तो तीन पद यानी 4 तक है ये, तो A5 इक्वल होता है A+4D, आप लोग जानते हैं। A का मतलब यहाँ पर -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D का मान -2.8, तो ये 4×2=8 और 1=9, 9.2 मतलब 9.2 ओ भी माइनस। फिर A6 है A+5D यानी -1.2 + 5 और D का मान -2.0, तो 5×2=10 और 1=11 इक्वल हो जाएगा -11.2। इसी प्रकार A7 की बात करें A+6D, और यहाँ देखिए 9×2=11 और 11×2=13.2 हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन 4 है इसके तीनों पार्ट सक्सेसफुली सॉल्व किए, आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चौथे का मतलब चौथा पार्ट, इसको आप लोग को बताना है, कमेंट करिए ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा। क्वेश्चन 4 में करना क्या होगा, आपको ये बताना कि ये AP है या नहीं है, और अगर AP है तो इसके तीन पद और लिखना होगा। धन्यवाद।